एंगर आने से जो एक्सप्रेशन होता है इससे भी आपके चेहरे पे लाइन पड़ जाते हैं, इसको किस तरह से कंट्रोल करें? हेलो, दिस इज मानसी गुलाटी, योर फेस योगा एक्सपर्ट एंड यू आर वॉचिंग फिट तक। टुडे विल डू फेस योगा टू कंट्रोल फ्रॉन लाइंस। आज हम बहुत अच्छी एक्सरसाइजेस करेंगे और आप लोग सारी एक्सरसाइजेस आज मेरे साथ ही करें, और साथ में मैं आपको बहुत सिंपल सी डाइट बताती हूँ। हम लोग योग करते हैं 5 बजे के बाद, आप लोग ऑयली फूड को पूरी तरह कंट्रोल कीजिए, हाइड्रेटेड रखिए अपनी बॉडी को, हर आधे घंटे के बाद आधा गिलास पानी जरूर पीजिए, गेट इनफ स्लीप, सोना बहुत जरूरी है। अगर हम 7-8 घंटे की प्रॉपर नींद लेंगे तो हमारे चेहरे पे रिंकल नहीं रहेगा। तो सनस्क्रीन भी जरूर लगाइए, सनस्क्रीन लगाना बहुत जरूरी होता है। और एक बहुत अच्छी टिप मैं आपको दूंगी, मॉर्निंग में 1/2 लेमन और 1 टीस्पून ऑफ हनी अगर आप पियेंगे वो भी रिंकल को प्रिवेंट करता है। तो ये सिंपल चीजें आप लोग फॉलो कीजिए और आज जो मैं एक्सरसाइजेस बता रही हूँ उसको भी मेरे साथ करिए। सबसे पहली एक्सरसाइज जिसको हम बी फोरहेड पोज बोलते हैं, देखिए किस तरह से करना है। गुस्सा, एंगर आने से जो एक्सप्रेशन होता है इससे भी आपके चेहरे पे लाइन पड़ जाते हैं, इसको किस तरह से कंट्रोल करें? और इस एक्सरसाइज को करने से आपका स्ट्रेस लेवल भी कंट्रोल होता है। तो मेरे साथ करिए, इसको किस तरह से करना, बी पोज बनाएंगे, स्ट्रेच। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई लाइन नहीं है, इसको इसी तरह से स्ट्रेच कीजिए, यू कैन फील प्रॉपर कॉन्ट्रेक्शन ऑल्सो। बहुत अच्छा स्ट्रेच होता है। बी हैप्पी ऑलवेज, मेरे साथ फेस योगा करिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए। अब हम दूसरी एक्सरसाइज करेंगे, बहुत सिंपल है, रेज फोरहेड पोज। इसमें सिर्फ अपनी आईब्रोज को रेज करेंगे ऊपर की तरफ। सरप्राइज, रेज करने से फ्रॉन्टेलिस मसल को आप यूज कर रहे हैं, इससे भी आपकी लाइन कंट्रोल होती है। जब भी समय मिले लोगों को सरप्राइज करते रहिए, फेस योगा करते रहिए। फेस योगा करना बहुत अच्छा होता है, आप अपनी एज को कंट्रोल करते हैं फेस योगा के द्वारा। तीसरी एक्सरसाइज हम करेंगे, इसको हम प्रेस पोज बोलते हैं। इसमें आप फोरहेड सेंटर यहाँ पे प्रेस करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रेशर होता है माइग्रेन को भी कंट्रोल करने के लिए। सेकेंड, फोर्थ, फिर से होल्ड करेंगे 10 सेकेंड के लिए। स्वाइप, रिलीज। इसी तरह से मेरे साथ पीस योगा करते रहिए, अपने आप को यंग रखिए, ब्यूटीफुल रखिए। और मैं आशा करती हूँ आपको मेरा ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। आप अपने सुझाव विचार हमसे जरूर शेयर करें, मैं आपको फिर मिलूंगी। थैंक यू।